हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्लेयर सेवन। मेरी आवाज आप लोग काफी दिनों के बाद सुन रहे होंगे। देखो अभी सीएस रैंक का नया सीजन चल रहा है एंड मुझे पता है कि आप में से हर एक बंदा इस सीजन रैंक पुश करने में लगा हुआ है, क्योंकि आप में से सभी के एग्जाम्स भी अभी खत्म हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सीएस में रैंक पुश करने के लिए 10 से भी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखकर सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने गेम में अप्लाई करते हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा रैंक पुश करने में। आप काफी आसानी से मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। एंड एक और चीज, आप में से जिन जिन लोगों के बोर्ड एग्जाम्स थे ना इस बार, आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कैसे गए हैं। तो बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टिप में देखो, अगर आपको सीएस में ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने पड़ेंगे। एंड अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने हैं तो आपको बहुत सारे किल्स भी करने पड़ेंगे। एंड उन सभी किल्स को करने के लिए आपका फायर पावर काफी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। तो आपको अपना फायर पावर बढ़ाने के लिए जिन जिन टाइप्स के गन आते हैं ना सीएस मोड में, ये एसएमजी गन हो गया, शॉटगन हो गया, एयर गन हो गया या फिर स्नाइपर हो गया, इन सभी कैटेगरीज के कम से कम एक दो गन्स पे ना आपको मास्टरी हासिल करनी है। जैसे कि पहले जब मैं खेलता था तो मैं ज्यादातर एसएमजी में बायजन या फिर एम्पीफायर का यूज करता था, एयर में मैं स्कार एंड पैराफिल का यूज करता था एंड स्नाइपर में मैं कभी कभी एडब्ल्यूएम चला लेता था। तो अगर आप भी हर एक कैटेगरी वाले गन्स में एक दो गन्स पे मास्टरी हासिल कर लेते हो ना, तो इससे आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जब आप किसी गन को ज्यादा यूज करोगे तो आपका हाथ उस पे काफी अच्छी तरह से बैठ जाएगा, जिससे कि वो पर्टिकुलर गन यूज करते टाइम ना आपका कॉन्फिडेंस एंड फायर पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके मतलब काफी आसानी से किसी भी फाइट को जीत सकते हो। एंड साथ ही इससे आपको वेपन के ग्लोरी बैचेस भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपका प्रोफाइल भी काफी बढ़िया दिखेगा। अब सेकंड टीम में देखो, आप सीएस जिन जिन मैप्स में खेलते हैं ना, चाहे बर्मुडा हो गया या फिर नेक्स्टेरा मैप हो गया, इन सभी राउंड्स के बारे में ना आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि किस किस राउंड में कौन कौन से ऐसे कॉमन एरिया है जहां पे ज्यादातर फाइट्स होती है, कहां कहां से एनिमी ज्यादातर फ्लैंक करते हैं, फिर किस राउंड में कहां से आप काफी आसानी से ग्रेनेड से नॉक निकाल सकते हैं एंड किन किन जगहों से आप अपने टीममेट्स को स्नाइपिंग करके या फिर एयर गन से अच्छी तरह से कवर दे सकते हो। अगर आपके पास हर एक मैप की अच्छी खासी जानकारी होगी ना, तो आपको ग्रैंड मास्टर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल्स पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि देखो, अगर आपको कोई हिडन प्लेस चाहिए अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए तो इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बर्मुडा मैप के हर एक प्लेसेस के बारे में पूरी डिटेल में बताया कि कहां से आप अपने टीममेट्स को कवर दे सकते हो। जैसे कि क्लॉक टावर में ये वाला घर हो गया, यहां पे आके आप काफी आसानी से बीच वाले घर के ऊपर जो बंदे होते हैं ना सेकंड फ्लोर पे, उनको आप काफी आसानी से खत्म कर सकते हो। एंड वहीं अगर आपको ग्रेनेड से फर्स्ट नॉक निकालने वाले प्लेसेस के बारे में जानना है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। इसमें भी मैंने आपको अलग अलग राउंड्स में काफी सारे ग्रेनेड्स की प्लेसेस बताई है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टिप की ओर। थर्ड टिप में देखो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो या फिर अडेप्ट कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप काफी आसानी से किसी भी मैच को जीत सकते हो। आपको ना एक फ्लेक्सिबल टाइप का प्लेयर बनना है। अगर आप अपने रोल को लेकर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं ना, तो आपको रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलते टाइम काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि अगर रश करने का सिचुएशन आएगा तो आप रश भी कर सकते हो एंड वहीं अगर टीममेट्स को कवर देने की जरूरत पड़ेगी तो आप कवर भी दे सकते हो। एंड इसमें मैं एक और पॉइंट को ऐड करना चाहता हूं। देखो, जब भी आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ना रश करने का या फिर होल्ड करने का, तो आपको ना हर एक राउंड में सेम स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है। अगर आप हर एक राउंड में सेम स्ट्रेटेजी का यूज करोगे ना, तो एनिमीज को आपके मूव का पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि आप किस साइड से रश करने वाले हैं या फिर आप कहां पे होल्ड करने वाले हैं। तो अगर आप एक राउंड में रश करते हैं ना, तो आपको अगले राउंड में थोड़ा होल्ड करके खेलना या फिर फ्लैंक करना है या फिर आप वहां पे ग्रेनेड से भी नॉक कर सकते हैं। इससे एनिमीज को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करते हो, जिससे कि ऑब्वियसली आप काफी आसानी से राउंड्स को निकाल पाओगे। अब फोर्थ टिप में देखो, आपको हमेशा रैंक पुश करते टाइम, चाहे वो सीएस मोड हो गया या फिर बीआर मोड हो गया, इन दोनों मोड्स में आपको ट्रेंडिंग कैरेक्टर्स एंड गन्स का यूज करना है। देखो, हर एक ओबी अपडेट के बाद दोनों गन्स एंड कैरेक्टर्स में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। अगर कोई गन या फिर कैरेक्टर अभी के टाइम काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है, तो हो सकता है 17 अप्रैल को जो ओबी अपडेट आने वाला है उसमें उस कैरेक्टर या फिर गन की एबिलिटी को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो आपको अपडेट के बाद जो भी कैरेक्टर्स एंड गन्स में चेंजेस होते हैं ना, खास करके इन पे आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। जिन जिन कैरेक्टर्स एंड गन्स को बढ़िया बनाया जाएगा ना, आपको उन्हीं को यूज करना है। मैं तो हर एक ओबी अपडेट बिना एक वीडियो बना ही देता हूं, जिससे कि मेरी ऑडियंस को अच्छी तरह से पता चल जाए कि कौन से कैरेक्टर्स एंड गन्स को यूज करना है अपडेट के बाद। अब फिफ्थ टिप में देखो, जब भी आप किसी भी एनिमी पे रश करते हैं ना, तो आपको हमेशा सोच समझ के रश करना है, एकदम प्रिपेयर होकर रश करना है एंड रश करने से पहले आपको अपने टीममेट्स को जरूर से इन्फॉर्म कर देना है। जैसे कि अगर आप किसी एनिमी को डैमेज कर देते हो बट आप नॉक नहीं कर पाते हो, वो आपको नॉक कर देता है, तो वहां पर आपके टीममेट्स जल्दी से आपको बैकअप देके एनिमीज को नॉक करके आपको रिवाइव दे सकते हैं। तो आपको जरूर से रश करते टाइम ये चीज याद रखनी है। बहुत बार मैंने खुद ये गलती की है कि मैं अकेले रश करने चला जाता हूं बिना अपने टीममेट्स को बताए हुए किल के लालच में एंड फिर इसका एडवांटेज लेके एनिमीज मुझे काफी आसानी से नॉक कर देते हैं एंड फिर इसके
बाद ऑब्वियसली राउंड जितना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्लेयर भाई अभी के टाइम पे काफी ज्यादा बिजी रहता है, सो आगे के जो चार टिप्स है उनको मैं कंटिन्यू करने वाला। तो अभी बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 के बारे में। सो टिप नंबर 6 ये है कि आप लोगों को CS रैंक में हमेशा थ्रोएबल्स को परफेक्टली यूज करना चाहिए, क्योंकि एक टीम जब परफेक्टली थ्रोएबल्स का यूज करती है वो काफी आराम से एक हारते हुए राउंड को भी जीत सकती है। एंड थ्रोएबल्स से मेरा मतलब सिर्फ ग्रेनेड से नहीं है, आप लोग जो है फ्लैश फ्रीज से भी अच्छा खासा डैमेज डील कर सकते हो। फ्लैश फ्रीज से आप लोग अपना किल कंफर्म कर सकते हो। एंड काफी टाइम जो नायरी वाले बंदे आते हैं जिनका वॉल आप लोग नहीं फोड़ पाते हो, उसके ऊपर अगर आप लोग ग्लू मेल्टर फेंकते हो एंड उसके बाद यूज करते हो गन का, तब आप लोग उनका वॉल भी काफी आराम से फोड़ सकते हो। तो चलो अभी बात कर लेते हैं टिप नंबर 7 के बारे में। सो अभी के टाइम पे आपको पता होगा कि 400 कॉइन में काफी टाइम M1873 जो शॉटगन रहता है वो आ जाता है। एंड अगर आप लोग वो गन को परचेस करते हो देन आपको एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में फाइट करना पड़ता है, लेकिन काफी टाइम आपके सामने जो जाइन यूजर्स आएंगे वो लोग जो है इस शॉटगन के 6 गोली से भी नहीं मरते हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है इस शॉटगन को इग्नोर करो एंड G18 या फिर WSP जो भी गन रहता है उसको यूज करो पहले राउंड में। अभी टिप नंबर 8 में मैं आप लोगों को 2 ऐसे पैसिव स्किल्स बताता हूं जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड आपका जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रहता है वहां पे जरूर से होना चाहिए। अभी इन दोनों में से पहला कैरेक्टर थीवा, जिससे आप लोग अपने टीममेट को विदिन 1 सेकेंड रिवाइव दे सकते हो एंड रिवाइव होते ही उसके पास जो है 60 HP रहेगा, जिसका हेल्प लेते हुए आपका टीममेट रिवाइव होते ही फाइट करना शुरू कर सकता है। एंड इस सीजन क्योंकि मैं CS में ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा हूँ तो मैंने देखा है काफी टाइम मेरे टीम में भी एंड काफी टाइम सामने वाले टीम में भी 2-3 थीवा यूजर्स आ जाते हैं। एंड जो दूसरा पैसिव स्किल रहता है वो रहता है ऑथो, जो कि आप लोग को हर एक रैंक के प्लेयर यूज करते हुए दिख जाएंगे। चाहे आप लोग कोई भी टॉप 1 प्लेयर का गेम प्ले उठा के देख लो CS रैंक में, उनके स्क्वाड में या फिर सामने वाले स्क्वाड में आप लोगों को भर भर के ऑथो यूजर्स दिख जाएंगे। अभी टिप नंबर 9 रहता है कि अभी के टाइम पे आपको गेम के अंदर साइबर मशरूम दिखता है 3 तरीके का, जिनमें से 2 साइबर मशरूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रहता है ये स्पीड वाला, जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देखो, मैं ये स्पीड वाले मशरूम के साथ तात्सुया का एक स्किल कॉम्बाइन करके इतना जल्दी एनिमी के पीछे रश कर लेता हूँ कि एनिमी टीम को भनक भी नहीं पड़ती है कि मैं इनके पीछे आ चुका हूँ। पीछे से मैं जो है 2 बंदे को नॉक ले जाता हूँ। वहीं पे जो एक और मशरूम रहता है वो रहता है ये EP एंड HP देने वाला, एंड ये काफी ज्यादा यूजफुल है जो भी ओडियन या फिर JBibs कैरेक्टर को यूज करते हो। ये मशरूम आप लोगों को HP भी प्रोवाइड करता है, बट आप लोग हमेशा तो इस मशरूम के ऊपर खड़े होकर फाइट नहीं करोगे, सो आप लोग EP के लिए इस मशरूम को यूज कर सकते हो। एंड ये मशरूम आप लोगों को टोटली में 220 EP देता है, जो कि आपके ओडियन को चार्ज करने के लिए इनफ रहता है। अभी टिप नंबर 9 में मैं आप लोगों को एक ऐसा रशिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप लोग इतना जल्दी एनिमी के ऊपर रश कर सकते हो कि एनिमी प्रिपेयर भी नहीं होंगे या फिर अपने कवर तक पहुंचे भी नहीं होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को साइबर एयर ड्रॉप का 1 लेवल चार्ज करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को जो है सुपर एनर्जाइजर मिलता है। एंड उसी के साथ में या तो आप लोगों को लोड आउट में सीक्रेट क्लू को इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर जो स्पीड वाला मशरूम रहता है उसको यूज करना पड़ेगा। अब इनको कंबाइन करने के बाद आप लोग इतना जल्दी एनिमी के ऊपर रश कर सकते हो कि एनिमी सही से अपने कवर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि ये वाले क्लिप में देखो, मैंने सुपर एनर्जाइजर और स्पीड बूस्ट को कंबाइन करके इतना जल्दी रश किया कि वो दोनों एनिमी तब तक कवर तक नहीं पहुंचे थे और उनको मैंने काफी आराम से नॉक किया। फिर यहाँ पे ऊपर के साइड पे एक और एनिमी था, इसको नॉक करने के बाद 3 नॉक निकल गए थे एंड उसके बाद आखिरी वाले बंदे को मेरा टीममेट मारता है और हम लोग काफी आराम से मैच जीत जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं आज के वीडियो के आखिरी टिप के बारे में, एंड ये रहता है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके मैच के अंदर MVP बनने का ट्राई करो। एंड MVP बनने की वजह से आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पॉइंट मिलता है, जो इनिशियली आप लोगों को उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा, बट जब आप लोग ज्यादा रैंक पुशिंग करते हो तो ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट लाएगा आपके गेम प्ले के ऊपर। जैसे कि इस रैंक सीजन में मैंने और उत्कर्ष ने एक साथ रैंक पुशिंग शुरू किया था एंड हम दोनों ने सेम मैचेस खेले हैं, बट अभी के टाइम पे मेरा जो है इलाइट मास्टर लग चुका है एंड उत्कर्ष अभी भी 90 स्टार्स पे अटका हुआ है, क्योंकि मैं मेजोरिटी मैचेस में जो है MVP बन जाता हूँ, जिस वजह से जब माइनस लगता है प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से मुझे माइनस नहीं लगता है। तो बस आज के वीडियो के इतना ही। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि अभी के टाइम पे आपका CS रैंक पे रैंक क्या चल रहा है।